जय श्री राम सभी भाइयों को। तो भाई साहब आज हम करने वाले हैं, आपको पता है कि 108 दिन का चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, तो आज हमारा है 5वां दिन और इसमें आज हम करने वाले हैं चेस्ट प्लस ट्राइसेप। और इसको जिस सीक्वेंस में कर रहा हूँ, अगर आप बिगिनर हो तो भाई इस सीक्वेंस से ही फॉलो करना, ज़्यादा एडवांस जाने की कोई जरूरत नहीं है, 50 वेरिएशन कोई करने की दिक्कत नहीं है, जितना कर रहा हूँ बस उतना ही करते जाना, 108 दिन करना है कंटिन्यू, इस चीज़ को फॉलो करना है। और चलो आज वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करूँगा बटरफ्लाई, क्योंकि भाई साहब इससे क्या होता है, मसल आपका अच्छा खासा स्क्वीज और पंप अप हो जाता है। ये आपको लेने हैं 4 से 5 सेट, और क्योंकि जाहिर से बात है और जितना लाइट वेट से धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट बढ़ाते जाए, और हर बार कम से कम 10 से 12 रेप निकालना है। तो इसके बाद लेंगे फ्लैट बारबेल प्रेस, इस पर भी क्या करना है आपको, जितना वेट कोई भी आपको ओवर लिफ्टिंग नहीं करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है, जितना मॉडरेट वेट से उठा के आप कम से कम 3 से 4 सेट जैसे भी करें, पूरा जितना बेसिक सर है सारे सारे बस वही सब करने, आपको ज्यादा एडवांस नहीं जाना है। ये मेरा लास्ट है भाई साहब, 80-90 किलो लफ्सल था ये, इसके मैंने आराम से खींच के फेल्योर तक 6 से 7-8 रेप जितना भी किया मैंने किया। इसका लेना है आपको इंक्लाइन बारबेल प्रेस, इसके भी लेना है आपको 4 से 5 सेट, और ये भी आपको सेम रेप काउंट पे रखना है आपको 10 से 12, और हर वर्कआउट के बीच में आपको कम से कम गैप लेना है 1 मिनट का, उससे ज़्यादा गैप नहीं लेना है। इसको मैंने मिला डिक्लाइन बारबेल प्रेस, इसमें भी आपको मैंने 3 से 4 सेट आपको लेने हैं इजीली आराम से, और कोई इसमें से इंजरी ना हो आपको इसीलिए, और हमेशा अगर आप हैवी लिफ्ट करने की कोशिश करें तो एक सपोर्टर पीछे ज़रूर से रखें, और इसके 3 से 4 सेट लेने हैं, 10 से 12 रेप निकालना आराम से, इसकी आपको फील करना मसल को अच्छा खासा पंप अप के साथ। और फिर उसका जब ये हो जाता है, फिर ये हो जाने के बाद आपको करना है डंबल प्रेस, वो भी इंक्लाइन से, जबकि इंक्लाइन का पोजीशन आपका ज्यादा नहीं हो, 30 डिग्री होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कि ज्यादा हो जाएगा तो भाई आपके अपर चेस्ट प्लस शोल्डर पे और डेल्ट पे आने लगेगा प्रेशर, उन सब चीज़ों का ध्यान देते हो आपको ज्यादा नहीं, पर 30 डिग्री का एंगल नहीं बना के रखना है, आराम से स्लोली ये लेना आपको 3 से 4 सेट, वो भी 10 से 12 रेप्स के आराम से। इसका लेंगे ये प्रेस, एकदम आराम से फ्लैट प्रेस, इसमें क्या है कि आपका सेंटर लाइन जिसको भाई साहब अच्छा खासा डीप चेस्ट चाहिए उसके लिए एक्सरसाइज है, और आपका लोअर चेस्ट भी से अच्छा खासा ब्लेंड अप हो जाता है, ये भी 3 से 4 सेट लेना है आपको 10 से 12 रेप काउंट के। तो इसके बाद आपको लेना है बटरफ्लाई भाई से, वो भी ये फ्लाई प्रेस, केबल फ्लाई प्रेस, इसमें क्या करना है आपका आराम से, इसमें कोई हैवी वेट नहीं लेना, जैसे आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 मिनट लगाया, मुझे कोई हैवी जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मसल जो कि जितना सोने जितना, और इसमें कोई रैप आउट नहीं है, अब तो फेलर मानना है 20 से 25 रेप जितना आपका हर सेट में जाए 3 से 4 सेट करना है। इसका मैंने लिया थोड़ा सा ट्राइसेप पुश डाउन, क्योंकि भाई साहब ट्राइसेप चेस्ट के साथ अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा खासा पंप बॉडी को मिल जाता है, बॉडी की ग्रोथ थोड़ी सी आसानी अच्छी हो जाती है। और ये लेना है आपको, आपको फेलर 3 से 4 सेट, इसके बाद लेना है बैक भाई, ये भी आपका बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, पर ट्राई से अगर आप नहीं किया कभी तो एक बार ट्राई जरूर से करना, 3 से 7-4 से इसका भी लेना है, बस ये की कहानी अप टू फेलो लेना है, ये सब लेना मेरी हालत हो जाती खराब, मिल लेता थोड़ा सा पोजिंग ये रही आज की कंडीशन, तो आप लोग बताना कौन सा मेरा बॉडी पार्ट बिल्कुल गेहूँ अब थक जान नहीं बची। सो जिस सीक्वेंस बताया है उसी सीक्वेंस में करना है, और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, लव यू ऑल, जय श्री राम।